और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर आज सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन लोगों से बात करेंगे। सर, आप लोग बीजेपी का पुतला, बीजेपी के तरफ से हैं आप लोग सीएम नीतीश का पुतला? हम लोग भाजपा की तरफ से हैं, लेकिन हम नीतीश का पूरा विरोध करते हैं। जिस तरह से कल कार्याना हरकत उन्होंने किया है, बहुत हमने एक बहुत अहम सिपाही खोया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, ये पूरा नीतीश सरकार की मिली भगत है, जबकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज कर रहे थे। नीतीश को हटाना, नीतीश को इस बार हटाना है, भाजपा को लाना है फिर से। बस धन्यवाद। जलाने का काम आज आप लोगों ने किया है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल आपने देखा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना मार्च कर रहे थे, उसके बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं के गुंडा के भांति हम लोग को पीटा गया है। ऐसा वैसा नहीं, डायरेक्ट पुलिस वाले सर पे वार कर रहे थे, मानो जैसे कि हम लोग हथियारे हों। ये हथियारी सरकार बिहार में हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को नीतीश कुमार को जड़ से फेंक के हटा देना इस बार। सरकार इसीलिए बनाते हैं कि हत्या करनी होने, चोरी करनी है। सारी प्रशासन ठीक चल रही थी, सारा काम ठीक चल रहा था, इतने बुरे तरीके से मारा गया, हत्या हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। पुलिस वालों का भी आरोप था कि बीजेपी वालों की तरफ से मिर्ची फेंकी गई थी। कुछ नहीं, मिर्ची नहीं फेंकी गई थी, शांतिपूर्वक सारा काम चल रहा था, सारा काम उनको छोड़ा गया है, खुले छूट पे छोड़ा गया। मारो जैसे मारो, इसके लिए कमर से ऊपर वार हुआ है, कमर के नीचे की है, ऊपर पीठ पीठ पे दाग है। अध्यक्ष जी, सारे लोग, सारे के पूरे शरीर पे दाग है, हॉस्पिटलाइज है कितने लोग। मिर्ची डाली जा रही थी, नहीं मिर्ची डाला गया बिहार पुलिस की ओर से, नहीं कि हम लोग तरफ डाला गया है। अब वो नीतीश बाबू को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। शाह की सरकार है, बस ताना सा बन गए हैं नीतीश कुमार। वो जान रहे कि मेरा अंतिम है, कि अब हम लोग उब गए हैं नीतीश कुमार से जी। एकदम उनको अब तोड़ के एकदम उनको दिखाना पड़ेगा। जिस तरीके से आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है, साफ तौर से ये कहते नजर आ रहे हैं जो लोग हैं या फिर प्रशासन है, कि कल मिर्ची डाली जा रही थी बीजेपी वालों की तरफ से, इसके बाद लाठीचार्ज किया गया। मैं बताता हूँ मैडम, ये 100% झूठ है। एक वीडियो सरकार या प्रशासन दिखा दे कि मिर्ची फेंका गया है, हम लोग मान लेंगे। और हम लोग के पास हजारों वीडियो है इनके लाठी चार्ज का। प्रशासन ने आज बेदर्दी से लाठी चार्ज मार के मेरे एक अनमोल कार्यकर्ता की जो हत्या की गई है, हजारों कार्यकर्ता और लाठी प्रहार करके हॉस्पिटल में हजारों कार्यकर्ता भर्ती है, महिलाएं बेदर्दी से महिलाओं को पीटा गया है। ये हत्यारी सरकार है और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा, नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ना होगा। ये जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ये बात डिनाई की जा रही, कहा जा रहा है कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। वो झूठ बोल रहे हैं, उनको तो जब हत्या किए हैं तो अपने ऐप को छुपाएंगे ही, अपने गुनाह को छुपाएंगे ही, ये सरासर 100% झूठ है। ये नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज के द्वारा हमारे अनमोल कार्यकर्ता की हत्या की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया गया। सीसीटीवी में फुटेज अभी तक प्रशासन ने दिखाया नहीं है, आने दीजिए सामने। प्रशासन तो झूठ पर झूठ लगातार बोल रही है, मिर्ची पाउडर फेंके हैं, बैरिकेटिंग तोड़े हैं, कितना झूठ अपने बचाओ। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ उनको बोलना पड़ेगा, एक सच छिपाने के लिए। नीतीश कुमार को जाना है और जाना पड़ेगा, तेजस्वी को जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे पुतला दहन किया गया है। सीएम नीतीश का पुतला जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दहन किया है और साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की वजह से और पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से कल बीजेपी के जिस कार्यकर्ता की जान गई है वो सिर्फ लाठीचार्ज के सिर्फ वजह से गई है। बता दें कि कल जो बीजेपी के कार्यकर्ता है विधानसभा मार्च के दौरान, कहा ये जा रहा है कि उनकी मौत लाठीचार्ज की वजह से हुई। हालांकि प्रशासन इससे साफ इनकार कर रहा है, प्रशासन का कहना है कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद पीएमसीएच उन्हें रेफर किया गया था। और साफ तौर से ये कहता नजर आ रहा है प्रशासन कि उनके शरीर पर किसी भी चोट के निशान जो है वो किसी भी तरह के नहीं है, और सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो जारी किया गया। हालांकि इसको लेकर के बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है या फिर नेता है वो काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है बिहार के वो राज्यपाल से मिलने के लिए भी गए थे और राज भवन मार्च भी जो है उनकी तरफ से किया जा रहा था। तो इस वक्त पटना के इनकम टैक्स चौराहे पे मौजूद है और पुतला जो है वो दहन किया गया है सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी द्वारा। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।